हेलो दोस्तों, मैं इरफान, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास गाड़ी है सीवर सेक्शन मशीन ट्रेलर माउंटेड। इसकी एडवांटेज, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी क्वालिटी औरों के मुकाबले कंपेयर करा जाए, जो ट्रक के पैसे हमें बचाने हैं उसको मशीन को ना ट्रेलर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें खासियत है, इसकी क्वालिटी में विजिबिलिटी आपको दिखाता हूँ, क्या क्या एडवांटेज है इसके अंदर। इसके एडवांटेज हैं जो कि ये इम्पोर्टेड इक्विवेलेंट वैक्यूम पंप है, जो हमारी कंपनी ऑन सुपर टेक इंजीनियर्स का है। ये इसमें लगा के साथ में दिया जा रहा है, इसमें घड़ी साथ में लगा के दी है, जो माइक्रो की घड़ी है। ये वैक्यूम और प्रेशर दोनों मोड दिखाएगी। और इसके अलावा इसके अंदर ये सप्लाई है, ड्रैपर, जो तेल इसके अंदर ड्रेनेज बाहर फेंकता है वो बाहर नहीं फेंकेगा, इसके अंदर आप एग्जॉस्ट रहेगा, तेल इसके अंदर ही रहेगा, ड्रेनेज करके इसको प्लग से द्वारा बाहर निकाल सकते हो। ये 6 से 8 इंची का इसके अंदर हैवी गार्डर है, इसके अंदर हिंज है, 2 से 2.5 इंची की हिंज है, ब्लोबैक सिस्टम है, ऑटोमेटिक इसके अंदर लुब्रिकेशन रहता है, तेल इसी के अंदर रहता है। तेल इसके अंदर डालो और भूल जाओ, तेल इसमें कंटिन्यू डालो और भूल जाओ, उसका परफॉर्मेंस यही रहेगा। ड्रैपर साइलेंसर ड्रैपर रहेगा, वैक्यूम पंप फैन बेल्ट ऑपरेटेड सिस्टम लगा के दिया जा रहा है, और इसके अंदर राउंड शेप है जो कि डिस्को खूबसूरती आकार देती है, जो वही ट्रक में होती है सेम ट्रैक्टर में भी वही कर दी गई है हमने। ये गाड़ी जाने वाली है अपने गुजरात मुंद्रा, जो कि हमारे पास कस्टमर भी आए हैं। ये टूल बॉक्स साथ में लगा के दिया जा रहा है, इसमें अंदर एक्रेलिक लगा के दिया जा रहा है, फुल इसके अंदर आपको हल्का भी स्टोरेज नहीं रखना, फुल आपका भरा हुआ दिखाएगा ये, जिसके अंदर टैंक हमेशा फुल भरता है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर यहाँ तक रख देते हैं, वो रखने का सिस्टम नहीं, फुल दिखाएगा कितना इसके अंदर आपका टैंक भर रहा है, कितने मिनट में भर रहा है, कितने सेकंड में भर रहा है। और इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म साथ में लगा के दिया जा रहा है, ये देखेंगे पूरी तरीके से काफ़ी हैवी में लगा हुआ है, आप कितना ही वजन डाल देना कभी ब्रोकन टूटेगा नहीं। 1020 के टायर लगा कर दिए जा रहे हैं इसके अंदर, अपोलो कंपनी के, बढ़िया एकदम फ्रेश। और इसके अंदर ये काफ़ी हैवी जो है ना, इसके अंदर आपको गार्ड दिया जा रहा है, लेग गार्ड, और इसके अंदर आई बोर्ड दिए जा रहे हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी हैवी है और काफ़ी हैवी तक इसके साथ लोड को कवर करेंगे, कभी बाहर नहीं निकलेगा इसके अंदर, ये साइड में लगा के दिया जा रहा है। इसके अंदर हैवी ये गार्डर लगा के दिए जा रहे हैं, ये मोटे मोटे स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं जो कि टैंक को रोकेंगे। इसके बाद इसके अंदर आउटलेट के लिए ये वाल दिए जा रहे हैं, ड्रेनेज, जो कि स्लज को बाहर फेंकेगा। और इसके अलावा इसके है इनलेट, ये इसमें बेयर कपलिंग लगा के दिए जा रही है, जो कि बढ़िया इसके साथ साथ काम करेगी, और इसमें जो है ना सक को इसके माध्यम से इस टैंक के अंदर भरा जा सकता है। ये हमारा लोगो है, पेटेंट, और 5000 लीटर का ये टैंक है। इसमें टैंक के अलावा इसके पाइप को अगर टांगना है तो 200-250 फीट भी इसके अंदर हम टांग सकते हैं। सफाई करनी है टैंक और कभी साल दो साल के अंदर भी हम सफाई कर सकते हैं। वैसे भी इसके अंदर क्या होता है ना, ड्रेनेज को बाहर इसके द्वारा, ड्रेनेज के द्वारा बाहर फेंक सकते हैं, कितना ही मोटा इसके अंदर स्लज जमा हो। 100 फिट पाइप साथ में दिया जा रहा है, 100 फिट पाइप, जो कि बेस्ट क्वालिटी का है और ये आसानी से ब्रोकन नहीं होगा, खराब नहीं होगा। और इसका जो कलेक्शन है, जो वर्क है, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पंचायत और प्राइवेट सेक्टर में भी किया जाता है इसका, जो कि ये देख रहे हैं इनके पास भी गाड़ी गाड़ी है, इनसे मिलेंगे, बातचीत भी करेंगे, ये हमें फीडबैक ही देंगे। आइए सर, नमस्कार, कैसे पाटिल साहब? बढ़िया बढ़िया। और वैसे भी आप हमारे पास आए हैं, हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं? बस यही कि भाई हमने देखा कि यहाँ हम आए और आइटम देखी, हमको बहुत पसंद आया, टैंक बहुत अच्छा आप है। आप आए कहाँ से, थोड़ा अपना परिचय बताइए आपके। हाँ। इसके अलावा जो मशीन है आपके पास कैसे, हमारे हमारे दर्शकों को, जो व्यूवर्स है हमारे देख रहे हैं, सब्सक्राइब देख रहे हैं, कि गुजरात को आप किस तरीके से हमारे सुपर टैंक में आए और कैसे कैसे आप हमारे पास आए थे और किस तरीके से आपका हमारा परिचय हुआ था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सर। हम लोगों ने यूट्यूब पे आपका ये सुपर टैंक का देखा था। हाँ, तभी हमको पता चला कि भाई यहाँ पे टैंक बन रहा है गाजियाबाद के अंदर। बिल्कुल, तभी हम लोग आए। और मैं हूँ अंजार कच्छ से, कच्छ गुजरात, वहाँ से हूँ, मेरा नाम है भगवान जी भाई वाघेला। बराबर, मैं इरफान भाई को आके मिला, फिर मैंने यहाँ के सब देखा और मेरे को अच्छा लगा कि भाई टैंक सही है, इसलिए ये जो ग्रीन कलर का टैंक है वो मेरा है, मैं लेने के लिए आया हूँ गाजियाबाद, तो अभी लेके जा रहा हूँ। फिलहाल मेरा और एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि गुजरात के अंदर जो गाड़ियाँ बनती हैं, गुजरात के अंदर जो गाड़ियाँ बनती हैं वो किस प्रकार की गाड़ियाँ हैं, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं पता होता दोस्तों। अगर जैसे अभी ये मेरे पास आए, ये आए थे मेरे पास परसों, और परसों के बाद इन्होंने फ़ोन किया अचानक कि सर मेरे को एक मशीन चाहिए जो कि 5000 लीटर की होनी चाहिए, एक्चुअल वही वॉल्यूम होने चाहिए। तो इनको जब मैंने फ़ोन करके कहा आप आ जाइए एनी टाइम, हमारे पास अवेलेबल थी, जब आप हमारे पास आया तो हमने आपसे क्या कहा था, अवेलेबल है, आप आओ और हैंड टू हैंड लेके जाओ, कोई लोचा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। तो आप आए और रहने की व्यवस्था भी आपकी बढ़िया थी, और
पंप के बारे में थोड़ी सी एडवांटेज बताइए, जो कि आपके गुजरात में मशीनें बनती है वो मशीनों में क्या क्या खूबी नहीं है और हमारी मशीन में क्या खूबी है, थोड़ी सी आप चीजें हमें बताइए। हमारे दर्शक जितने भी है, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन करिए ताकि मैं भी उनको बता सकूं। थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा सा घूम के बताइए। नहीं, आपका पंप एकदम राइट है। और पंप कैसा है पंप के बारे में? नहीं, पंप एकदम राइट है आपका, मतलब बढ़िया पंप है, बढ़िया पंप है एकदम। सिंचाई कैसी करता है? बहुत बढ़िया करता है, गहराई से डीपली। मेरे को पता चला कि नहीं भाई अच्छा है, मतलब हाथ लगा के चेक करा था जो हमारे जो बंदे काम कर रहे हैं और उन्होंने आपको फीडबैक भी बताया, चेक भी करवाई तो, और खींच कर भी दिखाया कितने सेकंड में या मिनट में भरा? 30 सेकंड में भर गया। 30 सेकंड में आपका ये टैंक भर गया। ठीक है, वेरी गुड। नहीं अच्छा है। दरअसल क्या ना दोस्तों, कि चीजों को समझना, चीजों को जानना वो बहुत जरूरी है, कि हमारे पास जो दर्शक आ रहे हैं, जो हमारे पे यूट्यूब के द्वारा बंदे आ रहे हैं, उनको सेटिस्फाई हम कैसे करें? अगर गुजरात के बंदे हमारे पास आ रहे हैं, उनकी सारी फैसिलिटीज वर्किंग, कुछ सोच समझ के आदमी जो ना 1200 किलोमीटर से है हमारे पास आ रहा है, कुछ सोच समझ के आ रहा है, तो इसी तरीके से हमने जो क्वालिटी दी है, जो बैटरी सारी चीजें बताई हैं, वो औरों के मुकाबले अंतर है। ऐसी घड़ी लगा के देते हैं क्या लोग? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसी घड़ी नहीं ले, नहीं। खाली नॉर्मली जो घड़ी है वैक्यूम वाली लगा देते हैं। हमने ब्लोबैक सिस्टम वाली लगाई है, हैवी वाल लगाया, जो जो चीज हमने आपको बताई थी क्या वही चीज लगा के दी है। जैसे आपको प्लेटफॉर्म लगा के दिया जाए किस लिए? खूबसूरती के लिए, ठीक है। दूसरा बात ड्रैपर, इसके अंदर ये ड्रैपर लगा के दिया गया, वो बेस्ट है। क्यों? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों ये है कि इसके अंदर तेल आपको दिखाई नहीं देगा, इसमें ऑटोमेटिक तेल है, तेल भी इसी के अंदर है, ऑटोमेटिक ड्रेनेज जो भी तेल होगा उसी के अंदर होगा। और इसके अंदर हैवी हिंज भी हैवी है बराबर। और दोस्तों ये वैसे अपनी चीज है, टूल बॉक्स साथ में लगा के दिया, बढ़िया, ठीक है। और मटेरियल बिल्कुल फ्रेश नया है, बिल्कुल फ्रेश नया है तो। और इसके अलावा थोड़ा सा और करीब है, टायर कैसे हैं? टायर एकदम बढ़िया है। कौन सी कंपनी के टायर हैं? अपोलो के टायर है। आप हमारे दर्शकों को बताइए। अपोलो के टायर है और टूल बॉक्स।